नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसी सीआर का ऑपरेशन और बीडी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने अलग से प्ले लिस्ट इसका बना दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए, इसका हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार किया हुआ है, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में इन्वायरमेंटल साइंस का, तो आपको जो है केवल एक ही पीडीएफ के अंदर में सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका देखिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, स्पेशली जो डीएफसीसीएल का एग्जामिनेशन में जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन और बीडी का जो पोस्ट है, तो इसमें देखिए जितने भी आपके ये मेन सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे जीके का हो गया, जनरल साइंस का हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का आपके हो गया, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का आपका हो गया, और कस्टमर रिलेशनशिप का, मैनेजमेंट का हो गया। तो इनका जो है यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, और साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगा अलग से इसमें, और सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखिए केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल ये अवेलेबल है आपका। और इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासकर जब कॉपरेशन और बीडी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोग जो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको कम्प्रिहेंसिव वे में इन सभी सब्जेक्ट का बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो कोर्स दिख जाएगा डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन वाला जो है आपका, और उसके बाद फिर जब आप लोग बाय कर लोगे तो आपको फिर कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आपको जो है सभी के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर जो आपके सब्जेक्ट वाइज है, जीके के, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, सीआरएम का, और साथ में जो पीडीएफ फाइल्स है, तो ये सभी का आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कोई ऐड यहाँ पे नहीं आएगा, जैसा कि यूट्यूब में आपको आती है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है मोशन और साथ में जो लॉज ऑफ मोशन है उसके बारे में हमने कवर किया था। तो देखिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो बेसिक फैक्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, जो आपका जनरल साइंस का जो पोर्शन है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपका इसमें अच्छे खासे पूछे जाएंगे, तो आपको जो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना होगा एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क का देखेंगे, वर्क के बारे में हम लोग समझेंगे और इसका एग्जाम्पल, और साथ में जो इसके जो अप्लीकेशन है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करते चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखिए, वर्क जो है आपका, बोलते हैं ना कि वर्क आपका क्या है, तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक तो है कि जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो बॉडी जो है वो अपना इनिशियल पोजीशन, एक पोजीशन को चेंज करके वो दूसरे पोजीशन पे उसका आ जाना चाहिए, यानी कि बॉडी के अंदर में पोजीशन का चेंजेस होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो है वर्क मेरा हुआ है। तो इस तरीके से वर्क हम लोग बोलते हैं उस कंडीशन में कि वर्क मेरा हुआ है, यानी कि जो काम हुआ है। तो वो कैसे बोलेंगे हम लोग, कि जब भी अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर में, तो उस बॉडी को अगर वो मान लीजिए कि वो मूव कर दे, यानी कुछ के अंदर में अगर मूवमेंट आ जाए, सिंपल सा कहने का मतलब है कुछ बॉडी के अंदर में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे चला गया, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि हाँ, जो काम हुआ मेरा हुआ, यानी कि वर्क मेरा वहाँ पे हुआ है। तो ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन आपका हो गया, मतलब एक सिंपल तरीका हो गया समझने का। तो अमाउंट ऑफ वर्क जो आपका रहता है यहाँ पे, तो वो वर्क कब होता है, यानी कि उसमें काम कब हो रहा है यहाँ पे, कि जब हमने उसमें फोर्स लगाया। अब देखिए, फोर्स लगाने से ही केवल काम नहीं होता, वर्क नहीं होता, वहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे अब मान लीजिए कि जो फोर्स हमने लगाया, तो वो आपका जैसे कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है आपका वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन का, दैट इज के एफ इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स हमने लगाया और साथ में डिस्प्लेसमेंट जो आया उस बॉडी के अंदर में, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, उतना उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, दैट इज डायरेक्शन, यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है हमने, वो हमने किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। तो इसके लिए आता है आपका यहाँ पे कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा आपका आ रहा है यहाँ पे, तो जो अगर फोर्स का मान लीजिए कि हमने उसी डायरेक्शन में लगाया जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी की, तो इस केस में हमारा जो एंगल रहेगा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट उसके बीच में कितना रहेगा, जीरो रहेगा। और अगर आप लोग कॉस जीरो के वैल्यू रखते हैं, तो इस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉस जीरो का वैल्यू जानते हैं कि इसका वन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपका, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू एस, मतलब कि यहाँ पे जो है वर्क आपका होगा,
इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बॉडी के अंदर में। इस कंडीशन में बोला जाएगा कि जो वर्क मेरा हुआ है तो वो एक्चुअली में हुई है। तो इसके लिए कंडीशन दो आपके होते हैं। कब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि फोर्स मेरा जो हमने फोर्स जो हमने अप्लाई किया हुआ है तो उससे मेरा वर्क डन हुआ है। तो बॉडी के अंदर मूवमेंट तो यह तो आना ही चाहिए, पहला आपका ये कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन होता है कि हमने जो फोर्स लगाया हुआ है तो वो किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो इसी को देखिए यहाँ पे इलोबरेटली किया गया है यहाँ पे। अब जैसे कंडीशन आपका आता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है मेरा, तो इस फॉर्मूले से हमने तो डिसाइड तो कर लिया यानी कि बॉडी के अंदर मूवमेंट मेरा ए टू बी तो आया यहाँ पे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि जब उसके अंदर में अमाउंट ऑफ जो वर्क है आपका वो फोर्स हम लोग उसमें भले ही लगा रहे लेकिन वो फिर भी जीरो रहता है। तो ये कौन कौन से कंडीशन है, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना। पहला तो यहाँ पर ये हो गया आपका कि हमने फोर्स तो लगाया लेकिन बॉडी के अंदर में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया, यानी कि इसके अंदर में हमने फोर्स लगाया वो तो वहीं का वही है। जैसे आप दीवार में आप फोर्स तो लगा लीजिए कितना भी अपने से, अगर उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आया तो वहाँ पर कोई भी आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं हुआ। तो ये तो आपका केस एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का आपका हो रहा है तो वो जो है नॉर्मल है टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि उस केस में जैसे थीटा का जो वैल्यू आपका वो 90 डिग्री है, यानी कि जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स जो है आपने मान लीजिए कि लगाया आपने ऊपर की ओर लगाया, तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, और आप जानते हैं कि जब कॉस 90 का जो वैल्यू रखते हैं हम लोग तो वो आपका आता है जीरो। तो इस केस में भी क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा मेरा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कब होगा कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है तो उसके परपेंडिकुलर में अगर कोई फोर्स लगाई जाती है तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझना है, यानी कि वर्क डन जीरो आपको कब होगा, जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट जो है तो वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इस केस में भी आपका जो है वर्क डन जीरो होगा, भले ही उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट भले ही आई हो, लेकिन अगर फोर्स जो है वो आपका दूसरे मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उस केस में भी अमाउंट ऑफ वर्क डन मेरा जीरो होगा। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, और आपको इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ही समझ में यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो अब इस केस में दूसरा आता है यहाँ पे कि जो मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो वो मैक्सिमम कब होगा। अब देखिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो वो मैक्सिमम उस केस में आपका होगा कि जब फोर्स जो हम लोग लगाएंगे, हम लोग मतलब कि जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस केस में मैक्सिमम जो है वहाँ पे आएगा, मतलब मैक्सिमम वर्क डन होगा। आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे एंगल है, थीटा का वैल्यू है, तो अब देखिए मान लीजिए कि फोर्स आपने लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो फोर्स आपने लगाया तो इसके जस्ट थोड़ा सा कुछ एंगल बना के आपने लगाया, तो इस केस में जो है आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन उतना नहीं होगा जितना कि आप लोग पूरे नॉर्मली आप मतलब इसी का डायरेक्शन आप लोग लगाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो कॉस जीरो आप वन होगा, तो इस केस में क्या होगा आपका मैक्सिमम जो है इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। और वहीं पे अगर मान लीजिए कि कॉस का वैल्यू अगर सपोज 45 हुआ, 45 डिग्री हुआ या फिर और भी कोई डिग्री हुआ, तो उस केस में आपका क्या होगा कि वन से तो वो कम ही आएगा। तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका आएगा तो वो मिनिमम ही रहेगा एज कंपेरिजन टू जो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि सॉरी मतलब कि जो आपका नॉर्मल उसी के डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा तो उस केस में तो जीरो आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको फैक्ट यहाँ पे समझनी है। तो अब यहाँ पे दो फैक्टर आपका आता है निकल के कि एक आपका आता है कि वर्क डन पॉजिटिव और एक आपका वर्क डन निगेटिव, वो कब होगा। तो देखिए जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन आपका फोर्स लग रहा है और वो एकदम से मतलब उसमें कोई जो है आपका उसी डायरेक्शन में लग रहा है, कोई एंगल का इसमें मतलब एंगल जो है डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है कोई सा भी, तो उस केस में वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन देखिए यही अगर डिस्प्लेसमेंट आपका जिस डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा है, तो इस केस में जो वर्क डन है आपका वो निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है आपका वो जीरो है दोनों केस में, लेकिन एक में आपका पॉजिटिव है एक में आपका निगेटिव है। तो इस केस में आपका क्या होगा यहाँ पर कि जो है आपका वर्क डन एक में निगेटिव एकदम में पॉजिटिव आपका होगा। और ये इसलिए होता है यहाँ पर आपका कि जैसे कि यहाँ पे वही है आपका दिया हुआ है कि वर्क डन निगेटिव और पॉजिटिव आपका कब होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि या तो आपका वो 180 डिग्री होगा और या तो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री आपके होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट केस है आपके लिए जो आपको याद रखनी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग वर्क का SI यूनिट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो इसका यूनिट होता है, एक्चुअली यूनिट यहाँ पे हम बात करेंगे, और इसका जो यूनिट होता है तो दो तरीके से, एक आपका SI यूनिट होता है, दूसरा आपका CGS यूनिट होता है। तो दोनों आपसे पूछे आते हैं। तो SI यूनिट की बात करते हैं तो वर्क का देखिए इसका होता है जूल, और जो इसका CGS यूनिट है तो वो है आपका अर्ग है। तो ये जो है आप लोग याद कर लेना है इसको। और देखिए जो वर्क आपका तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आपका ये है। और उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे एक आपका निकाला आता है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके रहते हैं कि 1 जूल बराबर आपका कितना होता है, या फिर जो है यहाँ पे आपका
वन जूल इज इक्वल टू, और इसके दूसरे टर्म्स में अर्थ के टर्म्स में लिखेंगे तो कितना आपका होगा। तो ये कुछ डेटा दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ जैसे 1 जूल है आपका, तो ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर आपका होगा। और जो एक जो आपका मीटर रहता है तो ये आपका 10^2 यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर आपकी होती है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू आपका होता है 10^5 डाइन। और 1 जूल बराबर अगर अर्ग से टर्म में लिखा जाती है तो आपका 10^7 अर्ग आपका होता है। तो ये सारे रिलेशन जो है आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी देखिए क्या है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि कोई भी बॉडी है तो उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है उसकी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी। अब देखिए ये सिंपल सा इसका भाषा हम लोग इसको समझते हैं हम लोग कि हम लोग कितना काम को इफिशेंटली कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी में जब तक एनर्जी रहेगा हम वो जो है किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, जब एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन है। अब देखिए कोई भी बॉडी है जैसे वो आपका वर्क करता है यानी कि वो काम करता है, तो वो क्या होगा कि जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे उसमें एग्जॉस्टनेस तो आएगी ही आएगी, तो उसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज करते ही जाता है उसका। अब ये आपका दूसरा सिनेरियो है कि जब मान लीजिए कोई बॉडी है वो वर्क करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा इस केस में। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वर्क जो है आपका बॉडी के ऊपर में ही हो, यहाँ पे बॉडी वर्क नहीं कर रहा है, कोई अगर और चीज़ जो है मतलब वर्क जो है बॉडी के ऊपर में रही है, तो इस केस में एनर्जी जो है वो इंक्रीमेंट होगी यानी कि इंक्रीज होगी। तो ये दो चीज़ में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि जब बॉडी कोई वर्क करेगा तो उस केस में एनर्जी डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि वर्क ही अगर बॉडी पे हो रही है तो उस केस में एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं इसका यूनिट का, तो देखिए एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वर्क का और जो एनर्जी का जो यूनिट है इन दोनों का सेम होता है तो वो है आपका जूल। और इसके साथ में जो सीजीएस यूनिट है तो वो भी दोनों का सेम ही होता है, इसका भी अर्घ है और इसका भी अर्घ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे दो कौन से क्वांटिटी है जिनका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों सेम होती है, तो वो है आपका वर्क और एनर्जी। तो ये याद रखना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और इसका देखिए एनर्जी का एक कॉमर्शियल यूनिट भी इसका होता है, वो है आपका किलोवाट आवर है। और तो देखिए एनर्जी हमने आपको बताया कि ये होता है आपका कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इस तरीके से एनर्जी जो होता है तो इसका देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक आपका पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो एनर्जी जो होते हैं तो ये किस कारण से होते हैं और ये जो है इसकी क्या जो खासियत है ये भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके पहले यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन जो एग्जांपल या फिर जो डिवाइसेस आपके रहते हैं कि वो जो है कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका, तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है सिनेरियो आपका है और यहाँ पे एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में किस में कन्वर्ट कर रहा है आपका। तो पहला आपका जैसे कि दिया हुआ है रबिंग बोथ हैंड्स टुगेदर फॉर ए बॉम्ब, यानी कि जब हम लोग दोनों हाथ को आपस में जब रबिंग करते हैं लगाते हैं तो उस केस में कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है तो वो आपका कन्वर्ट होता है थर्मल एनर्जी में। अब इसके बाद देखिए दूसरा आपका है कि जब बैटरी पावर को टॉर्च लाइट आपका रहता है तो उस केस में क्या होगा। तो अब देखिए इसमें दो केस होते हैं, एक आपका बैटरी के लिए दूसरा होता है बल्ब के लिए। तो जब बैटरी वर्क करता है तो उसमें देखिए बैटरी के अंदर में क्या होता है केमिकल से मिलकर बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है तो वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वहीं पे बल्ब का सिनेरियो को देखा जाए तो इस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो ये आपका रेडिएंट एनर्जी यानी कि जो रेडिएशन जो निकलता है तो उसमें कन्वर्ट आपका होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद देखिए जो जियो थर्मल पावर प्लांट जो आपका होता है तो इस केस में जो हीट एनर्जी जो होती है तो वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि देखिए जियो थर्मल जो पावर प्लांट आपका होता है तो वहाँ पे जो है आपका जैसे कोयले से वो रन करते हैं, मतलब कोयला आप जलाते हैं तो वहाँ पे हीट तो आपका जनरेट होता है और उसी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टर्बाइन के थ्रू। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे थर्मोकपल, तो थर्मोकपल जो आपका डिवाइस है तो इस केस में भी जो हीट एनर्जी है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है तो इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड वाटर रहता है तो ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है आपका, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर में इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आपका वो एनर्जी होता है कि जब हम लोग कोई मोशन के अंदर में वो रहता है और उसके चलते जो एनर्जी डेवलप होगी तो वो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जब भी जनरेटर को जब मान लीजिए उसका जो घुमाए जाते हैं उसको घुमाते हैं हम लोग तो उसके थ्रू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा और वही कन्वर्ट करेगा आपका वो आपका फिर मैकेनिकल एनर्जी में भी दोनों हो सकता है या काइनेटिक एनर्जी आपका हो सकता है तो ये कन्वर्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इसके बाद देखिए जो विंड मिल आपका जो रहता है, विंड मिल आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो उसमें पंखे लगे रहते हैं तो उस केस में जो विंड एनर्जी है
वो आपका कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, और या तो फिर मैकेनिकल एनर्जी से फिर टर्बाइन लगा के उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए जो आपका माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन आपने जो मोबाइल में भी देखा होगा, जो आप कोई भी आप चीज़ बोलते हैं तो वो चीज़ आपका साउंड को वो कैप्चर करेगा और उसके फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद देखिए जो इलेक्ट्रिक लैम्प है आपका, तो इलेक्ट्रिक लैम्प जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में आपका ये कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद देखिए जो वुड है यानी कि जो लकड़ी है, इसको जब हम लोग बर्निंग करते हैं तो इस केस में जो केमिकल एनर्जी है तो ये आपका हीट एनर्जी में या फिर जो है हीट और लाइट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होती है। फिर इसके बाद जो स्टीम इंजन है आपका, तो स्टीम इंजन में जो हीट एनर्जी रहती है तो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका हीट एनर्जी में। और ये देखिए याद करना काफ़ी आसान है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसके में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और फिर उसके बाद जब वो गर्म होता है तो उसे हम लोग आयरन करते हैं तो आपका हीट में ही कन्वर्ट होता है। तो ये काफ़ी आसान है, बस आपको एग्जाम्पल देखते ही याद आ जाएगा कि ये कौन से कौन एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनर्जी है तो उसके बारे में लोग देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि एनर्जी जो है इसके दो टाइप्स आपको देखा, आपका पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा आपका हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसका डेफिनेशन समझेंगे हम लोग और इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए ये एनर्जी होता है जो बॉडी के अंदर में उसके जो पोजिशन के रिस्पेक्ट में होती है, यानी कि जब वो रेस्ट पोजिशन पे रहा हो या फिर वो डिफॉर्म स्टेट पे रहा हो तो उसके अंदर में जो एनर्जी जो स्टोर्ड जो होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी है मान लीजिए वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसके अंदर में भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी पोजिस्ड होती ही है, भले उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर में इस तरीके का कंडीशन में स्टोर मतलब कि रेस्ट कंडीशन में या फिर वो डिफॉर्म स्टेट में रहे इस कंडीशन में रहे तो उसके अंदर में मान लीजिए कि अगर कोई एनर्जी स्टोर रहती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। और वहीं पे जो आपका काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर में मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो आपका क्या रहेगा कि जैसे कोई बॉडी है उसके अंदर में कोई एनर्जी पॉजिटिव अगर हो रही है तो वो जो होगा आपका मोशन के थ्रू होगा, यानी कि बॉडी अगर मूवमेंट में है तो उसके अंदर में जो एनर्जी जो स्टोर्ड हो जाएगी तो वो आपका होगा काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि कोई अगर रेस्ट कंडीशन में है और डिफॉर्म कंडीशन में है डिफॉर्म स्टेट में है तो उसमें जो एनर्जी आपका आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और जो कोई अगर मोशन में है तो उसके अंदर में जो एनर्जी पोजिस्ड होगा तो वो आपका होगा काइनेटिक एनर्जी। और इसका एक फार्मूला भी आपका रहता है यहाँ पे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये आपका दो कंडीशन, एक तो रेस्ट कंडीशन, दूसरा इसका होता है डिफॉर्म स्टेट में, और इसके पोजिशन के बेसिस पे वो पोजिशन जो है वो कोई मान लीजिए कि वो कोई हाइट पे है कि नहीं है, तो इसके चलते इसका एक फार्मूला बनता है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज MgH। तो इसमें जो MgH आपका है तो इसके अंदर में आपका जैसे एम आपका यहाँ पर हो गया दैट इज बॉडी का मास हो गया, और जो जी है आपका तो ये होता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए कोई अगर बॉडी हाइट पे है तो उसके अंदर में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा ही, लगेगा ही लगेगा। और जो एच है आपका यानी कि हाइट कि बॉडी जो है जिस हाइट के थ्रू वो लिफ्टेड है ग्राउंड से, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट इसके जो आपके आ रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका वो एनर्जी रहता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में रहती है। जिसका एग्जांपल की देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेट ही आपका हो गया, हमने इसको कोई एक हाइट पे रेज किया हुआ है तो उसके अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से जो वाटर जो स्टोर्ड रहती है डैम में तो वो भी आपका एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि देखिए उसमें जो है वाटर जो रहता है रेस्ट कंडीशन में लेकिन एनर्जी उसके अंदर में भी स्टोर्ड है। फिर उसके बाद देखिए जैसे कि आपका कोई कार जो है आपका वो पार्क किया हुआ रहता है टॉप ऑफ ए हिल, मान लीजिए कोई पहाड़ है इसके ऊपर में कोई कार पार्किंग किया गया है, क्योंकि इसके अंदर में हाइट अब है फैक्टर है तो इस केस में भी जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका कि मान लीजिए कोई स्नो पैक है यानी कि जो बर्फ आपका जो पैक किया हुआ रहता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एवलांच आपका आता है। इसी तरीके से रिवर वाटर जो आपका रहता है जो वाटरफॉल के टॉप में रहता है मानी कि उसका मूवमेंट करने से पहले जो टॉप में रहता है तो उस केस में भी आपका होगा। और इसके साथ में कोई मान लीजिए बुक रखा हुआ है टेबल के ऊपर में वो गिरने से पहले ही जो कंडीशन में रहता है तो उस केस में भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके बाद आपका जैसे राइप फ्रूट है यानी कि जो पके हुए जो फल रहते हैं उनके फॉल करने से पहले जो एनर्जी उनके अंदर में भी स्टोर रहेगी तो वो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके पोटेंशियल एनर्जी के, तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। और वहीं पे जैसे काइनेटिक एनर्जी आपका, तो इसमें उनको बताया कि जो बॉडी के अंदर में जो एनर्जी पोजेस्ड होती है मोशन के चलते तो इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग सिंपल डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि दैट इज कि इट में डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू, यानी कि जीरो से कुछ वैल्यू तक बढ़ाने के लिए जो वहाँ पे जो आपका वर्क डन जो लग रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो इसका देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला आपका होता है काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो m आपका यहाँ पे बॉडी का मास हो गया,
और यहाँ पे जो यानी कि वेलोसिटी बढ़ाने के लिए जो वर्क हुआ, तो वो आपका वी हो गया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी अगर मोशन में है, मतलब वो अगर मोशन में आया तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो उसके अंदर में रहेगा ही रहेगा। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला आपका हो गया 1/2 mv². अब देखिए इसमें जो है कुछ फैक्टर आपका चेंज कर दिया आता है, जैसे वेलोसिटी को अगर बोलता है कि डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, तो आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू जाना है यहाँ पे। और इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो एसआई यूनिट है तो वही एनर्जी का जो यूनिट होता है, तो वही इसका भी होगा, वो चाहे आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो है आपका ये इसी का काइनेटिक एनर्जी का ही हो, तो इसका भी वही आपका होगा 1 जूल, जूल के बराबर ही आपका होगा। और इसको हम लोग इक्वली लिख सकते हैं इसके टर्म्स में, जैसे कि आपका इसमें मास है तो इसका केजी आपका हो जाएगा, और वेलोसिटी है तो इसका देखिए होता है m/s, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर में है तो इसलिए आपका क्या होगा कि m/s² आपका हो जाएगा। और वहीं पे एग्जांपल की बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, अब जैसे कोई कार है वो ट्रेवलिंग कर रहा है आपका रोड में, मान तो इसके अंदर में वेलोसिटी होगा, तो जाहिर सी बात है ये इसके अंदर में कौन सा एनर्जी आपका होगा, तो काइनेटिक एनर्जी। उसी तरीके से कोई रिवर है, मान लीजिए वो फ्लो कर रहा है एक सर्टेन स्पीड के साथ में, तो उसके अंदर में भी काइनेटिक एनर्जी आपका आएगा। और इसके बाद फिर देखिए अगला दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी आपका रहता है, मान लीजिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं, कोई भी मोशन में हो, यहाँ पे एक डिफरेंस आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि बात कही जा रही है कि जो काइनेटिक एनर्जी कोई एरोप्लेन का जो है आपका, तो वो जो है आपका फ्लाइट के समय उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर में मास भी यहाँ पर है और साथ में इसकी जो स्पीड वेलोसिटी वो भी ज़्यादा है, तो ये दोनों फैक्टर के चलते काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर में होती है। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे DFCCIL के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि इन हाइड्रो पावर प्लांट्स विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर में कौन सा एनर्जी वाटर का जो है यूटिलाइज किया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो देखिए जो हाइड्रो पावर प्लांट जो आपके होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में मतलब इसमें जो रहते हैं आपके, तो इसमें जैसे वाटर जो रहता है एक हाइट से आपका गिरता है और उसके बाद फिर टर्बाइन जो रहते हैं उसको मूव करते हैं और इसी को फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस केस में जो एनर्जी वाटर के अंदर में जो यूटिलाइज किया जाता है, तो वो है उसका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखिए जो वाटर जो स्टोर रहता है डैम में, तो उसका एनर्जी जो रहता है तो वो आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसके अंदर में। तो इसका देखिए क्या होगा आपका राइट आंसर, पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा। तो यही एनर्जी को यूटिलाइज किया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसमें देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था तो इसलिए हमने इसको लिया हुआ है आपका। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी समझा देंगे इसका, कि गोलाकार पथ में घूम रही वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कौन सा होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि मान लीजिए कोई आपका गोलाकार पथ है, यानी कि एक आपका एक सर्कुलर पाथ है, तो इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कि इसमें मूव कर रहा है यहाँ पे, तो इसके द्वारा जो वर्क होगा, वर्क डन जो होगा आपको वो निकालना है कि इसका क्या होगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या आपका होगा कि जैसे कि बॉडी के अंदर में मान लीजिए कि वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या होता है इसका, दैट इज f(d)cos θ। अब इस केस में क्या होगा, बॉडी जो है यहाँ पे हर समय अपना पोजिशन चेंज करते रह रहा है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वापस आके उसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होने के चलते क्या होगा कि ये 0 आपका हो जाएगा, तो कौन सा कार्य यहाँ पे यहाँ होगा, मतलब जो होगा इसके अंदर में वो है शून्य, कोई भी काम यहाँ पे नहीं होगी इसकी, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पावर के बारे में। तो देखिए पावर क्या है, सिंपल इसका डेफिनेशन हम लोग इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि जैसे देखिए वो कोई भी चीज़ रहता है, तो उसके अंदर में मान लीजिए उसको हम लोग कोई भी लकड़ी हो गया, फिर उसको मान लीजिए कोई चीज़ हो गया, उसको मान लीजिए उसको लिफ्ट करने में जितना भी हम लोग अपना दम लगाते हैं, पावर लगाते हैं, तो वही चीज़ आपका सेम कॉन्सेप्ट इसका भी यहाँ पे अप्लाई किया जाता है कि दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। तो देखिए जो आपका पावर जो रहता है, तो ये दो फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है, एक तो आपका हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि कितना हमने वर्क लगाया, वर्क किया हमने, दूसरा आपका इसके अंदर में कि टाइम टेकन टू डू वर्क, यानी कि उस वर्क को करने में कितना टाइम लिया हमने, तो ये दो चीज़ पे फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है। तो सिंपल सा इसका आपका डेफिनेशन हो गया कि दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो पावर आपका है, तो ये दोनों में डिफाइन करते हैं हम लोग कि हाउ मच जो है हमने वर्क किया हुआ है और कितना फास्ट हमने उसमें वर्क किया हुआ है, तो ये दोनों फैक्टर पर आपका ये डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इसीलिए तो बोला जाता है कि कितना रेट से हमने कोई भी वर्क किया हुआ है। तो ये आपका डेफिनेशन ये इसका कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, तो ये आपका हो जाएगा। और इसका देखिए फॉर्मूला तो वर्क डन अपॉन में टाइम तो है ही, इसका दूसरा फॉर्मूला आपको होता है f(v), यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये आपका कैसे आया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको, जैसे पावर आपका होता है
वर्क डन अपॉन में टाइम। अब देखिए जो आपका वर्क डन का अगर फॉर्मूला आप जानते होंगे, इसका आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कॉस थीटा को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एफ इंटू डी यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आपका हो गया और टाइम नीचे तो आपका है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स को हम लोग फैक्टर को अलग रखते हैं और इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो ये डेफिनेशन होता है आपका वेलोसिटी का। तो अब फोर्स तो आपका है ही यहाँ पे और इधर वेलोसिटी आपका हो गया, तो इसलिए पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अब क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया रहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है इतना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसमें इतना फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसका पावर डेवलप कितना होगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका केवल वर्क डन दिया रहा है और टाइम दिया रहा है, इससे से आप लोग निकाल सकते हो, आप लोग इससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको इक्वेशन याद रखना होगा। और वहीं पे देखिए एसआई यूनिट की बात करते हैं, जो आपका पावर है, तो इसका देखिए जो एसआई यूनिट होता है वाट होता है, सबसे जो सिंपल मतलब है इसका वाट इसका हो गया, और दूसरा है इसका जूल पर सेकेंड, क्योंकि देखिए वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क डन का आप जानते हैं कि इसका जूल होता है और नीचे टाइम है, टाइम का होता है सेकेंड। तो आप लोग इसके थ्रू भी याद कर सकते हो, और इसका आप लोग जो है दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, दैट इज आपका है के जी मीटर स्क्वायर और फिर से पर सेकेंड क्यूब आपका हो जाएगा। तो ये आपका एसी से आया हुआ है, आप लोग इससे निकाल सकते हो डेरिवेशन करके इसका। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है कुछ यूनिट हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए जो ये तो आपका वाट तो इसका एक हो गया, इसका अदर यूनिट होता है एक हॉर्स पावर होता है यानी कि एचपी आपका हो गया। तो 1 HP इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद रखना है, इसका वैल्यू होता है 746 वाट के बराबर होती है। तो 746 वाट बराबर इज इक्वल टू 1 HP आपका होता है, और 1 kW इज इक्वल टू आपका होता है 1000 वाट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। और CGS यूनिट की देखिए बात करते हैं, तो इसका होता है अर्ग पर सेकेंड। आप जानते हैं कि जैसे वर्क है आपका, तो इसका होता है आपका अर्ग होता है और नीचे टाइम है, तो अर्ग पर सेकेंड आपका हो गया। और 1 वर्क इज इक्वल टू आपका हो गया इसका, दैट इज 1 जूल पर सेकेंड हो गया, या तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 10^7 अर्ग पर सेकेंड। तो आप लोग को बस रिलेट करते चलना है, जो आपको आपने पढ़ा था वहाँ पे वर्क के बारे में, उसी तरीके से पावर को भी आपको करते चलना है यहाँ पे। तो 1 वाट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1 जूल पर सेकेंड हो गया, या तो फिर 10^7 अर्ग पर सेकेंड हो गया। और यहाँ पे देखिए जो आपने देखा 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट आपका होता है, तो इसका एक जो है मैट्रिक यूनिट भी होती है, यानी कि जो मैट्रिक हॉर्स पावर जो है आपका, तो इसका एग्जैक्टली 746 नहीं होता, इसका वैल्यू होता है आपका दैट इज 735.5 वाट्स। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। और एक मैकेनिकल हॉर्स पावर जो आपका रहता है, तो ये होता है 745.7 वाट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। 746 वाट ये आपका 1 HP के बराबर होता है, लेकिन मैकेनिकल हॉर्स पावर इक्वल टू आपका होता है 745.7 वाट्स। और एक मैट्रिक हॉर्स पावर जो आपका रहता है, तो ये बराबर आपका होता है 735.5 वाट्स। तो थैंक यू दोस्तों, ये तो थे आपका वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी तरीके से आगे भी आपका ये लेक्चर जो है चलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।